नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बड़ी खबर है टोंक देवली से, जहां करीब 2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर बिसलपुर बांध पूर्ण जल भराव के आंकड़े को छू गया और इसी के साथ बांध में आए अतिरिक्त पानी की बिसलपुर डैम के गेट खोलकर निकासी की गई। इस दौरान सैकड़ों लोग इस पल के गवाह बने। बता दें कि इससे पहले 26 अगस्त 2022 को 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी। इसके बाद फिर पानी की मात्रा और गेट की संख्या में परिवर्तन होता रहा। दरअसल शुक्रवार सुबह 9 बजे बिसलपुर बांध का जलस्तर RL 315.49 मीटर पहुँच गया था। वहीं बांध में पानी की आवक देखते हुए गुरुवार को ही परियोजनाओं ने गेट खोलकर पानी निकासी करने की तैयारी कर ली थी। प्रशासन भी जानमाल की सुरक्षा के लिए उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा, पुलिस उप अधीक्षक राम सिंह के मार्गदर्शन में बैठक हुई। उधर शुक्रवार सुबह एक बार फिर खुशियों के गेट खुले, 7वीं बार ये गेट खुले हैं। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, पूर्व कृषि मंत्री एवं पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल सैनी, जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, परियोजना के अधीक्षण अभियंता वीएस सागर समेत अभियंताओं और अधिकारियों की मौजूदगी में बिसलपुर कंट्रोल रूम में सुबह 11:45 बजे शास्त्री मनोज छत्री द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद स्कौडा सिस्टम के जरिए गेट नंबर 9 और 10 को खोलकर पानी की निकासी की गई। 12,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।